सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुट। दोस्तों, गूगल फॉर्म्स के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। लैपटॉप के थ्रू गूगल क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है, मोबाइल के थ्रू गूगल क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है, किसी अदर लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है, कैसे टाइमर सेट करना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्ड को इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन को ऑफ करके, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को ऑन करके स्टूडेंट्स को कैसे मैनुअली रिस्पॉन्ड सेंड करनी है, कैसे रिस्पॉन्ड को एडिट करना है, कैसे मैनुअली मार्क्स अपडेट करने हैं, ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। फॉर्म्स को ओपन करने के लिए आपने ब्राउजर में टाइप करना है drive.google.com/forms। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन शो होगी न्यू फॉर्म क्रिएट करने के लिए। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेम्पलेट यूज कर सकते हो। एंड अगर आप कोई रीसेंट फॉर्म यूज करना चाहते हो जो आपने ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपने उस रीसेंट फॉर्म को ओपन करना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके पास यहाँ पे रीसेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई एडऑन्स ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडऑन्स ऐड कर सकते हो। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हो। दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन आ रही है सेटिंग की। जैसे आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग शो हो जाएगी। सबसे पहले जर्नल सेटिंग। जर्नल सेटिंग के अंडर आपको स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस कलेक्ट नहीं करोगे तो आप रिस्पॉन्ड मैनुअली नहीं सेंड कर सकते। उसके बाद ऑप्शन आ रही है लिमिट टू रिस्पॉन्ड वन की। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट एक ही बार आंसर सबमिट करे तो आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। बॉटम की दोनों ऑप्शन को आपने ऑफ रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है प्रेजेंटेशन की। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे अपने शफल क्वेश्चन ऑर्डर को ऑन कर देना है। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट के पास जो क्वेश्चन है वो शफलिंग में शो हो, फर्स्ट स्टूडेंट के पास कुछ और क्वेश्चन शो हो, सेकंड में नंबरिंग चेंज हो। और दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है क्विजेस की। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास क्विजेस ऑन होने चाहिए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो स्टूडेंट को उसी समय आंसर शो हो जाएंगे जैसे स्टूडेंट अपने आंसर को सबमिट करेगा। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट को इमीडिएट आंसर्स ना शो हो तो आपने लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे क्लिक करना है। एंड रिस्पॉन्डेड कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स एंड पॉइंट वैल्यू। दोस्तों, अगर आप इन ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो स्टूडेंट को जैसे आप मैनुअली रिव्यू सेंड करोगे उसके बाद ही मिस्ड क्वेश्चन शो होंगे, करेक्ट आंसर शो होंगे, पॉइंट वैल्यू शो होगी। दोस्तों, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहां से एग्जिट कर जाओगे। दोस्तों, फॉर्म को सेंड करने से पहले आपने रिस्पांस पे क्लिक करना है। रिस्पांस पे क्लिक करने के बाद आपका यहां पे एक्सेप्टिव रिस्पांस क्लिक होना कंपलसरी है। अगर आप यहां पे इसे ऑफ कर दोगे तो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं सेंड कर पाएंगे, तो आपका यहाँ पे एक्सेप्टिव रिस्पॉन्स ऑन होना कंपलसरी है। उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो होगी सेंड बाय ईमेल। अगर आप ईमेल के थ्रू स्टूडेंट को फॉर्म सेंड करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे ईमेल फिल कर देनी है। अगर आप लिंक के थ्रू स्टूडेंट को फॉर्म सेंड करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिंक शो होगा। अगर आप इस लिंक को शॉर्ट करना चाहते हो तो आपने शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी कॉपी की, आपने इस लिंक को कॉपी करना है। और अभी हम इस लिंक को स्टूडेंट को सेंड करेंगे। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के थ्रू लिंक को सेंड कर रहा हूँ। आप किसी भी सोर्स के थ्रू लिंक को सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, SMS। दोस्तों, लिंक को पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए वेट करना है ताकि जो कि जो फॉर्म का नेम है वो प्रॉपरली क्रिएट हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म का जो नेम है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। अभी हम स्टूडेंट फोन से इस लिंक को ओपन करेंगे। दोस्तों, जैसे स्टूडेंट लिंक पे क्लिक करेगा तो स्टूडेंट के पास यहाँ पे ब्राउजर चूज करने की ऑप्शन आएगी। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर चूज करना है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर के थ्रू फॉर्म को सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद फिर से ब्राउजर को चूज करना है। जैसे ही स्टूडेंट ब्राउजर को चूज करेंगे तो स्टूडेंट के पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड है वो ईमेल आईडी के थ्रू स्टूडेंट को सेंड होंगे। फर्स्ट पेज को फिल करने के बाद जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट को क्वेश्चन शो हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के पास यहां पे शो हो जाएगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, लेकिन यहां पे मार्क्स नहीं शो हो रहे, ना ही कोई करेक्ट आंसर, ना ही कोई मिस्ड क्वेश्चन, कुछ भी यहां पे शो नहीं हो रहा। दोस्तों, अभी मैं एक और फोन से रिस्पॉन्ड को सबमिट कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी यहाँ टीचर के पास टू रिस्पॉन्ड रिसीव हो गए हैं। दोस्तों, समरी के अंडर आपको यहाँ पे शो होगा इनसाइट, एवरेज, मीडियन एंड रेंज। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे
शो हो रही है क्वेश्चंस की। अगर आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट संजीव कुमार एंड मनदीप दुल्ट। जैसे हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे यहाँ पे शो होगा रोल नंबर 5678123 4 5। दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको डिटेल शो हो जाएंगी। एंड अगर आप इंडिविजुअल देखना चाहते हो, प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर को ओपन करना चाहते हो स्टूडेंट का, तो आपने यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 1 of 2, इट मीन्स 2 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स सबमिट किए हैं। एंड फर्स्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है ईमेल आईडी, आप यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट का ईमेल आईडी सेलेक्ट करके भी क्वेश्चन पेपर को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रही है प्रिंट की एंड डिलीट रिस्पॉन्ड की। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिस्पॉन्ड डिलीट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट के पॉइंट शो हो रहे हैं 6 out of 10, स्कोर नॉट रिलीज। दोस्तों बाद में हम स्कोर को रिलीज करेंगे, पहले हम कुछ चेंजेस करेंगे मार्क्स में। उसके बाद आपको स्टूडेंट का यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो होगा, नेम शो होगा, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी स्टूडेंट ने सबमिट किया है। उसके बाद स्टूडेंट ने जो भी आंसर सबमिट किए हैं आपको पास यहाँ पे सभी आंसर शो हो जाएंगे। एंड दोस्तों जो रॉन्ग आंसर है आपको यहाँ पे सभी 1 by 1 शो हो जाएंगे। साथ में आपको पॉइंट्स भी शो हो जाएंगे कि किस क्वेश्चन में स्टूडेंट के कितने पॉइंट्स हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के अल्फाबेट की मिस्टेक होने की वजह से स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गया, तो टीचर यहाँ से इसे मैनुअली मार्क्स रिलीज कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैं मैनुअली मार्क्स रिलीज करूँगा, उसके बाद आपने यहाँ पे 2 पे क्लिक करना है। अगर आप एडिट को सेव करना चाहते हो तो आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट के जो पॉइंट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। अभी जैसे ही आप यहाँ पे रीच करोगे तो यहाँ पे आपको टिक का साइन शो होगा एंड पॉइंट्स भी शो हो जाएंगे और टॉप पे स्टूडेंट के पॉइंट्स हैं वो भी अपडेट हो गए हैं। ऐसे ही आपको सेकंड स्टूडेंट का भी शो होगा, आप सेकंड स्टूडेंट में भी चेंजेस कर सकते हो। एंड दोस्तों मार्क्स को रिलीज करने के लिए आपने यहाँ रिलीज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिलीज पे क्लिक करोगे तो आपके पास सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। अगर आप कोई मैनुअली मैसेज राइट करना चाहते हो स्टूडेंट को तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली मैसेज भी राइट कर सकते हो। दोस्तों जो जिस स्टूडेंट को भी आप रिस्पॉन्ड सेंड करना चाहते हो तो आपने उस स्टूडेंट के सामने ईमेल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टूडेंट को ही रिस्पॉन्ड सेंड करना चाहता हूँ एंड सेकंड को मैं अभी सेंड नहीं करना चाहता क्योंकि सेकंड का अभी मैंने क्वेश्चन पेपर चेक नहीं किया। उसके बाद आपने सेंड ईमेल एंड रिलीज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ईमेल एंड रिलीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा स्कोर रिलीज्ड 20 September एंड साथ में यहाँ पे टाइमिंग शो हो जाएगी। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो हो रहा है लॉक्ड स्कोर नॉट रिलीज्ड। दोस्तों अभी हम स्टूडेंट फोन से देखेंगे कि स्टूडेंट के पास रिस्पॉन्स कैसे रिसीव हुआ है। दोस्तों जैसे स्टूडेंट जीमेल को ओपन करेगा तो स्टूडेंट को यहाँ पे ईमेल रिसीव होगी जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स शो हो जाएंगे। एंड उसके बाद जैसे स्टूडेंट व्यू पे क्लिक करेगा एंड ब्राउजर को सेलेक्ट करेगा तो स्टूडेंट को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर शो हो जाएगा एंड साथ में स्टूडेंट को मार्क्स भी शो हो जाएंगे कि किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स रिलीज हुए हैं, विच आंसर वाज राइट एंड विच आंसर वाज रॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पे सभी डिटेल्स स्टूडेंट के पास शो हो गई हैं। दोस्तों उसके बाद अगर आप रिस्पॉन्ड को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने यहाँ 3 dots पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डाउनलोड रिस्पॉन्ड CSV की, तो आपके पास यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक्सेल फाइल शो होगी। अगर आप ऑनलाइन स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट में स्टूडेंट की डिटेल शो हो जाएंगी, किस टाइम पे स्टूडेंट ने फॉर्म को सबमिट किया है, स्कोर्स की डिटेल, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड सभी आंसर शो हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट को प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है, कैसे कॉलम्स ऐड करनी है, कैसे कॉलम्स डिलीट करनी है, कैसे अदर टीचर के साथ शेयर करना है, कैसे PDF में कन्वर्ट करके डाउनलोड करना है। दोस्तों अगर आपकी गूगल फॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, टेस्टिमोज या किसी अदर एजुकेशन ऐप की क्वेरी या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।